आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग और टॉप स्टॉक की वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। इन दिनों हम लोग काउंसलिंग पे बहुत वर्क कर रहे हैं। बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे ऑफिस से लेके जितना भी हेल्प हो सके जो काउंसलिंग कराने आ रहे हैं उनका पूरा हेल्प किया जा रहा है। और इसी दरमियान बीएचयू पाठशाला की सीनियर फैकल्टी द्वारा गाइडेंस में उनके स्टडी मटेरियल से बीएचयू के ही एक स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और जिस कोर्स में उन्होंने टॉप किया है उनसे भी हम लोग जानेंगे और उनका नाम भी जानेंगे, उनके पूरी स्टडी प्लान को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि चैनल बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, उस घंटे को दबा लो जिससे एक भी आपका अपडेट छूटने ना पाए। और बाकी आप एक बार प्लेलिस्ट आके देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा चैनल कितना वर्क कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इनका सबसे पहले नाम क्या है। मेरा नाम अनुराग कुमार है। अच्छा, अनुराग कुमार जी को मैं सबसे पहले पूरे बीएचयू पाठशाला की टीम की तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप बलिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और आप अपने कोर्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। कोर्स मतलब जो कॉमन एंट्रेंस होता है, कोर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, इसका एक ही मतलब होता है टेस्ट, जो कॉमन मतलब बेसिस पे होता है। एंट्रेंस का जो मतलब वो पैटर्न होता है उसमें मतलब जीके, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह मतलब आता है। मतलब ओके हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे इजीली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए, इनका जो कोर्स है उसे शॉर्ट फॉर्म में एमलीब बोला जाता है, ठीक है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जनरली हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इन्होंने उसका जो पेपर होता है कॉमन होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सीनियर फैकल्टी आपको जब आप एडमिशन लोगे या फिर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो बीएचयू पाठशाला को, तो उसमें हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे। ये भैया जो हैं ये उसमें फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फर्स्ट रैंक लाए हैं तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। जो भी मतलब पढ़ाई का मतलब मैं मतलब जिस हिसाब से अपना तैयारी किया था, जहाँ से मतलब जिस मटेरियल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म को मिला था वहाँ से मतलब हुआ था, तो मतलब हमको मतलब अच्छा मतलब हो रहा है। क्योंकि इस मतलब कोचिंग के मतलब गाइडेंस में मेरा पहला रैंक प्राप्त हुआ। देखिए, जाहिर सी बात है, आप जब भी किसी मास्टर कोर्स में जाते हो, मैं यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम किसी पीजी कोर्स में जाते हैं तो उसमें एडमिशन पाने वाला हर एक बंदा टॉपर होता है। क्योंकि आप किसी भी कोर्स में पीजी में जब एक बार आप जाके कैजुअली जब चेकआउट करोगे तो सीट की संख्या होती है वो मैक्सिमम 50-100 प्लस, उससे 100 से ज़्यादा नहीं होती है। वैसे में ऑल इंडिया लेवल पे जाम हो रहा है और सब अच्छा उसमें आ रहा है, उसमें भी इनका फर्स्ट रैंक है, तो आप खुद इस चीज़ को फील करो कि कितना बड़ी बात है। तो आप थोड़ा अपनी स्टडी प्लान के बारे में अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें और जो पॉइंट, तो आप अपने आने वाले जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे। मैं अपनी तैयारी मतलब बीएचयू पाठशाला से ही किया हूँ, इसी चैनल से। यहाँ के जो मतलब फैकल्टी हैं वो पूरी मतलब हेल्पफुल है, मतलब सपोर्टिंग है। नीरज सर हुए, प्रदीप और आनंद, मोहन सर, हाँ मोहन भैया, मतलब इन सब लोगों की मतलब गाइडेंस में मैंने मतलब बहुत अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन किया था। जो भी इस प्लेटफॉर्म का मतलब मटेरियल है वो लगभग मतलब इसी पैटर्न से मतलब मिलता जुलता होता है, तो इस मतलब एंट्रेंस को क्रैक करने में इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। इस प्लेटफॉर्म को ओके थैंक यू सो मच। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको इस बात को अगर मुझे एक्सप्लेन करना तो मैं यही बोलूँगा कि आप ऑलरेडी बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका जो एक कड़ी मेहनत है वो आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। नो डाउट कि सीनियर फैकल्टी ने आपका बहुत हेल्प किया है, लेकिन उसमें आपके पीछे जो आपका खुद का एक कड़ी मेहनत है वो बहुत बेहतर रही है। तो इसी के साथ साथ मैं आप भैया अभी फैकल्टी से जुड़े हैं, तो मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा इन फ्यूचर, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम दूंगा, लेकिन कुछ बातें आपको समझा के कि चैनल को प्लीज़ कंटिन्यूस विजिट करना है, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे कि आप खुद मास्टर हो जाओगे, खासकर इस काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा समझ जाओगे। तो नो डाउट कि बस प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, डेली बेसिस पे चैनल पे बने रहो, अपने दोस्तों को सजेस्ट करो, अपने यार मित्र, अपने किसी भी एक खास मित्र को सजेस्ट करो, जिससे कि वो भी अच्छा खासा तैयारी कर सके। इस बार बीएचयू पाठशाला पे बहुत अच्छे अच्छे रैंक आई है, आप देख रहे हो टॉप 100 में लगभग मैं समझता हूँ 50 प्लस बच्चे हैं, इवन बीआर सोशल साइंस में टॉप 10 में हमारे 5 बच्चे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे पूरी टीम के लिए। और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।